Hello everyone, I'm Amritanshu Roshan, working as a lecturer in New Government Polytechnic, Patna Tera. Today we'll continue our topic, air conditioning. My dear friends, यह जो टॉपिक है एयर कंडीशनिंग यह आपके आरएसी सब्जेक्ट में आता है. आरएसी सब्जेक्ट का मतलब हुआ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग. मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये एक सब्जेक्ट है जो कि जनरली आखिरी सेमेस्टर में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है. तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो इस सब्जेक्ट में आज हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, एयर कंडीशनिंग है क्या. उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि साइकोमेट्री क्या है, और साइकोमेट्री के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि साइकोमेट्री में मॉइस्ट एयर का क्या कॉन्सेप्ट है, मॉइस्ट एयर क्या है, इसके क्या कंपोजिशंस है, और फाइनली हम लोग सेशन को कंक्लूड करेंगे ड्राई एयर वर्सेस एयर के बीच एक कंपेरेटिव एनालिसिस का. हम लोग कंपेरिजन करके देखेंगे कि ड्राई एयर और एयर एक्चुअली है क्या. तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए ना. तो सबसे पहले मैं टॉपिक पे आता हूं. तो ये एयर कंडीशनिंग टॉपिक जो है, सबसे पहले अगर आप इसका हिंदी नाम जानने की कोशिश करेंगे, जो अक्सर हाँ आप रेलगाड़ी के डब्बों पे लिखे हुए देखते होंगे कि एयर कंडीशन चेयर कार, वातानुकूलित कुर्सी यान ना, एक 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 बहुत ही छोटा ऑब्जर्वेशन है जो अक्सर हाँ आप विद्यार्थी जीवन में आप इस चीज को गौर करते होंगे. तो एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है वातानुकूलन ना, और बाय नेम इट सजेस्ट आपके आसपास जो वातावरण है ना, उसको आप अपने हिसाब से कैसे उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक कैसे अनुकूल बना लेते हैं. तो कहीं ना कहीं यही क्या है आपका वातानुकूलन, या जिसे हम एयर कंडीशनिंग कहते हैं. इसको थोड़ा और अगर मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट में समझाऊं, तो आपके आसपास जो हवा है जिसे हम लोग एम्बिएंट एयर कहते हैं ना, तो जो एम्बिएंट एयर है किसी भी कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस मीन्स ए फिक्स्ड स्पेस, जैसे कि मैं ले रहा हूं कि मान लीजिए ये आपका एक रूम है घर का, या एक आपका वर्क प्लेस है, यहां ये दिस इज कॉल्ड ए कन्फाइंड वॉल्यूम, ये कन्फाइंड स्पेस हुआ. अब इसमें लेट सपोज मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, और इसके चारों तरफ ना ये एयर है जो कि इनविजिबल है, जो आपको दिखता नहीं है, बट मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो है ब्लू, जिसे हम लोग कहेंगे एम्बिएंट एयर. माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना होगा कि जैसे इस कन्फाइंड वॉल्यूम में, इस कन्फाइंड स्पेस में ना, यहां पे एक ह्यूमन है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है. तो इस कन्फाइंड स्पेस में यहां पे अगर हम इस एम्बिएंट एयर को अपनी इच्छा अनुसार, अपने कंडीशन के मुताबिक, अपनी शर्तों पे इसे अगर हम अपने अनुकूल बना ले जो मुझे सूट कर रहा है, कैसे अनुकूल बना सकते हैं. लेट सपोज अगर समर है, बाहर टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सी है, बट हम अंदर में टेम्परेचर कम कर सकते हैं, या अगर विंटर है बाहर में टेम्परेचर 10 डिग्री है तो आप अंदर में जो है टेम्परेचर 22 डिग्री 25 डिग्री रख सकते हैं. तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन कंफर्ट, माय डियर स्टूडेंट, ये वर्ड आपको काफी याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ह्यूमन कंफर्ट ना. तो फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन कंफर्ट, इफ वी कंडीशन द एम्बिएंट एयर ना, कि इस एम्बिएंट एयर को इस ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम अपने कंडीशन में अगर ले आए, तो दैट प्रोसेस, दैट फेनोमेना इज नोन एज एयर कंडीशनिंग, ठीक है, ओके. माय डियर स्टूडेंट, अगर यह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है, ये चाहत पूरी हो जाती है, अगर आप एयर कंडीशनिंग करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो ये स्वतः नहीं होगा. इसके लिए आपको वी नीड ए मैकेनिकल डिवाइस, वी नीड ए मैकेनिकल सिस्टम. तो
ऐसा सिस्टम जो कि आपके एयर कंडीशनिंग की जो चाहत है, आपके जो एम्बिएंट एयर है उसको आपके कंफर्ट के मुताबिक कंडीशन कर दे, आपकी इच्छा के अनुसार उसे कन्वर्ट कर दे उस कन्फाइन स्पेस में, अगर ऐसा करने वाला जो भी डिवाइस है उसका नाम हो जाएगा, आई होप आप गेस कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग करने वाला आपका डिवाइस कहला जाएगा एयर कंडीशनर, जिसे हम इन शॉर्ट एसी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में इसे हम क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। आज के दौर में बहुत आसान है एसी को देखना ना, आप अक्सर हाँ अपने घर में या अपने आप अपने इंस्टीट्यूट्स में या बड़े बड़े ऑफिस में देखते होंगे कि आइदर विंडो टाइप एयर कंडीशनर लगा होता है जो कि खिड़कियों में लगा होता है, या एक दीवार के ऊपर लगा होता है स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक हुआ ना, आई होप आप समझ रहे होंगे कि एयर कंडीशनिंग क्या है ना, एयर कंडीशनर क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर का फंक्शन है क्या, टू मेंटेन द नीड ऑफ ह्यूमन कंफर्ट ना। अब सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन कंफर्ट किन किन बातों पे निर्भर करता है। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि इस कन्फाइन स्पेस में आप एक आर्टिफिशियल एटमोस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, अपने इच्छा के मुताबिक ना। तो सबसे पहले आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि मिस्टर कैरियर जो कि न्यूयॉर्क के साइंटिस्ट थे, 1902 ईस्वी में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया, वो भी अपने लिए नहीं, पहले उन्होंने ना वो एक प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम करते थे तो वहां मशीनें गर्म हो जाती है तो उसको कूल करने के लिए उन्होंने ये लाया था, बाद में चल के उन्होंने फिर इसका कॉन्सेप्ट किया। आप देखते होंगे कैरियर, कैरियर कंपनी की एसी भी आती है ना, तो वही है, तो उन्होंने ही सबसे पहले एयर कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए, तो उन्होंने इस चीज को समझा ना, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ह्यूमन कंफर्ट जो है ना, ह्यूमन कंफर्ट क्या, इसमें समझना होगा ह्यूमन कंफर्ट एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में ना अत्यधिक आपको गर्मी महसूस होगा, ना आपको हॉट कंडीशन में आप फील करेंगे अपने आपको, ना बहुत ज्यादा ठंड फील करेंगे कोल्ड, ना मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, ना मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा, ना ही मॉइस्चर बहुत कम होगा ना। आप पढ़ते होंगे ह्यूमिड कंडीशन, ड्राई कंडीशन ना, ये मॉइस्चर की स्थिति होती है। अगर वाटर वेपर या मॉइस्चर जो एटमोस्फेरिक एयर में अगर बहुत ज्यादा है तो हम बोलते हैं ह्यूमिड आज वेदर है, अगर कम होता है बोलते हैं ड्राई वेदर है ना। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको कर लेते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं ये ह्यूमन कंफर्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे निर्भर करता है। पहला है द टेम्परेचर ऑफ दैट एम्बिएंट एयर, जिसे हम टेक्निकल टर्म में ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं, डीबीटी। तो वी मेंटेन ए एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अब ये एप्रोप्रिएट टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ, लाइक सपोज अगर बाहर में समर सीजन है, बाहर में 40-45 डिग्री सी है, तो आपको 45 और आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37.4 डिग्री सी है, जो आपको हर हमेशा आपका बॉडी उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है ना? तो ह्यूमन कंफर्ट में कहा जाता है कि अगर आप 22 डिग्री से 24 डिग्री सी के अराउंड अगर आप टेम्परेचर अपने एम्बिएंट एयर का अगर मेंटेन रखते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे, ना आपको गर्मी अधिक लगेगी ना अधिक ठंड लगेगी, आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे, बिल्कुल गुदगुदी वाला मौसम होगा, लाइक जैसे वसंत में हम लोग कहते हैं कि वसंत ऋतु का जो वेदर होता है बहुत ही अच्छा होता है, ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक ठंड होता है, तो उस तरह का कुछ आपको फील आएगा। दूसरी बात है डीबीटी के अलावे भी हमारा एक और महत्वपूर्ण है जो कि काफी सेंसिटिव है ना, जो कि एटमोस्फेरिक एयर में ही कहीं ना कहीं होता है, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, जिसे हिंदी में आर्द्रता भी हम लोग कहते हैं ना। तो ह्यूमिडिटी क्या है, तो हम सिंपली ह्यूमिडिटी बोलते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं वेदर फॉरकास्ट उसमें जो देखते हैं तो ये ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज में दिखाता है, तो एक्चुअल जो है वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी नहीं होता, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। तो वो हम लोग कुछ देर बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, फिलहाल मैं आपको बता दूं ये एक्चुअल में वो आरएच होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर आरएच का मान
50 से लेके अगर 60% के बीच में अगर हो ना इन्वायरमेंट में, अगर आपका परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान 50-60% हो तो आप बहुत ही अच्छा फील करेंगे। माय डियर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी पूछता है, आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, पूछेगा व्हाट इज ह्यूमन कंफर्ट कंडीशन, तो आपको बताना होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट, इज VVI। नाउ इसके अलावे भी दो तीन पहलू है, दैट इज हम लोग बोलते हैं विंड वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ दैट एम्बियंट एयर ना, तो थर्ड हम लोग बोल सकते हैं विंड वेलोसिटी ना, इस पे भी हमारा कंफर्ट निर्भर करता है। कई बार आप ऑब्जर्व करते होंगे कि टेम्परेचर ज्यादा है 35°C, 40°C, लेकिन अगर विंड की स्पीड अच्छी है तो आपको उतनी गर्मी फील नहीं होगी, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। या टेम्परेचर 28°, 30° है, आपके ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर ज्यादा, बट विंड की स्पीड अगर थोड़ी अधिक है तो आप अच्छा फील करेंगे। क्यों विंड स्पीड आपको अच्छा फील करवाता है ये हम लोग अगले सेशन में क्लियर करेंगे। इसको आप तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि ड्राई बल्ब, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी कैसे हमारे ह्यूमन कंफर्ट को प्रभावित करता है, इस पर एक पूरा एक सेशन मैं लूंगा, आपको तब तक इंतजार करना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है माय डियर, हर एक जगह ये पूछा जाता है। अगर आप इसको समझ लेंगे आप खुद समझने लगेंगे कि आपको गर्मी क्यों लगती है, आपको ठंड क्यों लगता है, पसीना अगर चलता है तो सूखता क्यों नहीं है। कई बार जो है आपका चिपचिपा होगा, पूरा पसीना सूखेगा नहीं, कई बार आप देखते होंगे आपके शर्ट्स गीले हो जाते हैं, उसे आप अगर सुबह देखेंगे तो उस पर व्हाइटिश व्हाइटिश दाग हो जाता है। इंडियन मॉनसून का कॉन्सेप्ट, कोस्टल एरिया जो होता है, लोग क्यों जॉब में लोनावाला, पुणे जैसे शहर, बैंगलोर जैसे शहर में क्यों अपनी जॉब पोस्टिंग चाहते हैं, वहां का वेदर क्यों बहुत अच्छा है, और चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, विजाग, ये सब जो कोस्टल एरिया के क्षेत्र हैं वहां पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहता है, तो वहां लोग क्यों अच्छा फील नहीं करते वहां पे आप। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है और उसका हमारा ह्यूमन कंफर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, ये तब तक आपको वेट करना होगा अगले सेशन में। अभी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन है। और मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, दैट इज प्योरिटी ऑफ एयर ना। तो अगर आपका आप जो हवा जो आपके एम्बिएंट के चारों तरफ है, अगर वो पॉल्यूटेड एयर है या उसमें डस्टी एयर है, डस्ट भरा हुआ है, तो आप कंफर्ट फील नहीं करेंगे। तो आजकल देखते होंगे कि प्यूरिफायर का ट्रेंड चला हुआ है, बहुत सारे लोग अपने घर में प्यूरिफायर एक अलग से लगवाते हैं, तो वो भी एक हमारा फैक्टर है जो ह्यूमन कंफर्ट को देता है। और पांचवा जो है वो है स्मेल ना, तो अगर जो फ्रेग्रेंस एक तरह से बोल सकते हैं कि जो आपके चारों तरफ एम्बिएंट एयर अगर वो अगर बहुत बदबूदार है तो भी आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे ना, लेकिन अगर उसका फ्रेग्रेंस अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ना। ये पांच ऐसे चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी ना। ये एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव है। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी चेंज होगा, वेदर कंडीशन चेंज होगा, आप कंफर्टेबल जोन से अनकंफर्टेबल जोन में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। विल कंटिन्यू लेटर ना। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मॉइस्चर को समझना जरूरी है। अगर आप एयर कंडीशनिंग को समझना चाहते हैं ना, तो आपको मॉइस्चर को समझना होगा, दैट इज मॉइस्ट एयर का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। तो यहीं पे एयर कंडीशनिंग टॉपिक में हमारा एक नया सब टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है ना, जिसे साइंस के एक स्पेशल सेक्शन में रखा गया, जिसे हम लोग बोलते हैं साइकोमेट्री ना। माय डियर स्टूडेंट, साइकोमेट्री इंजीनियरिंग साइंस का हमारा एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग मुख्यतया किसके बारे में पढ़ते हैं, मॉइस्ट एयर के बारे में पढ़ते हैं ना। आपको मॉइस्ट एयर के बारे में सारी जानकारी मिलेगी कि मॉइस्ट एयर किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, उसके प्रॉपर्टीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे,
कैसे हमारा मॉइस्ट एयर जो है हमारे कंफर्ट कंडीशन को प्रभावित करता है, फिर व्हाट आर दोज एयर कंडीशनिंग प्रोसेस, ये सब टॉपिक आप अपकमिंग लेक्चर्स में आपको मिलेगा जो इससे जुड़ा हुआ है। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्री। आई होप क्लियर है। साइकोमेट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डिस्कस अबाउट द मॉइस्ट एयर। ओके, नाउ वील कम टू द पार्ट व्हाट इज मॉइस्ट एयर। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट। कहीं आप पढ़ेंगे ड्राई एयर, कहीं पढ़ेंगे मॉइस्ट एयर, कहीं पढ़ेंगे एटमोस्फेरिक एयर, कहीं पढ़ेंगे एयर, कहीं पढ़ेंगे ह्यूमिड एयर। तो ये टर्मोलॉजी जो ऐसे टर्मोलॉजी है जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। तो अगर आप इस चीज को समझ लेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और काफी सिमिलर चीजें हैं, लेकिन आपको ये माइन्यूट डिफरेंस समझना होगा। कोई भी आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज है। अगर आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नाउ वी कंटिन्यू मॉइस्ट एयर। ओके, इन साइकोमेट्री डिस्कस अबाउट द मॉइस्ट एयर। नाउ व्हाट इज मॉइस्ट एयर? ना तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो हमारे चारों तरफ हवा है, जिसे हम लोग कॉमनली एयर बोलते हैं, उसे ही एटमॉस्फेरिक एयर भी कहा जाता है। तो पहले ये तो क्लियर हो गया कि जिसे हम एयर कॉमनली बोलते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में, उसका मतलब होता है एटमॉस्फेरिक एयर। नाउ अब एटमॉस्फेरिक एयर में दो हिस्से होते हैं, ठीक है? अच्छा, उस एटमॉस्फेरिक एयर में दो हिस्से होते हैं। पहला ड्राई एयर और दूसरा मॉइस्चर, या इसे हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर। ना आप ये जानते हैं कि ड्राई एयर में हमारे सारे गैसेस आ जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 एंड सो ऑन। ये सारे गैसेस का ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ड्राई एयर क्या है सबसे पहले समझना होगा कि ड्राई एयर जो है जितने भी अर्थ के सरफेस पे गैसेस हैं उस सब का एक क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, ठीक है। इसके अलावे एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर वेपर के भी सर्टेन परसेंटेज होते हैं, तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर भी इस ड्राई एयर के साथ होगा ना। ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ ड्राई एयर हो, नहीं, ड्राई एयर एक तरह से इमेजिनरी एयर हो जाएगा, फिर वो होता नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ उसमें मॉइस्चर होगा ही होगा। तो इस मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से, ये वाटर वेपर प्रेजेंट होने की वजह से, जो हमारा एयर है उसका दूसरा नाम हो जाएगा मॉइस्ट एयर। तो आई कैन से दैट मॉइस्ट एयर हैज टू कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज ड्राई एयर एंड अनदर वन इज वाटर वेपर और मॉइस्चर। क्लियर है? ड्राई एयर क्या है? कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। इसमें मेजोरिटी में कौन रहता है? नाइट्रोजन, आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने, 78% बाय वॉल्यूम, ये 21%, राइट ना। ओके, तो ये ड्राई एयर पार्ट हो गया, जो कि जिसे हम फिक्स मानते हैं या चेंजेस नहीं होता है। तो ड्राई एयर जो पार्ट होता है ये ऑलवेज फिक्स्ड पार्ट है। ड्राई एयर फिक्स्ड पार्ट है, लेकिन वाटर वेपर जो है यह वेरिएबल होता है। आप कहेंगे कि कैसे वेरिएबल होगा? तो अगर आप मान लीजिए कोस्टल एरियाज में रह रहे हैं, कोस्टल एरिया का मतलब हुआ समुद्र के आसपास वाला क्षेत्र, जैसे कि हमारा हो गया चेन्नई, समुद्र के बगल में है, विजाग हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, जो समुद्र के किनारे क्षेत्र है, तो चूंकि वहां पे वाटर के रिसोर्स बहुत ज्यादा है, तो वहां पे इवोपरेशन ना इवोपरेशन बहुत तेजी से होगा और वो पानी इवोपरेट होके वहां के एटमोस्फेयर में मिल जाएगा ना। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वहां पे तो इवोपरेशन ज्यादा है, तो वाटर वेपर वहां ज्यादा हो गया, ठीक है। अब आ जाइए लैंडलॉक स्टेट में, जैसे कि हमारा बिहार है, यूपी है, दिल्ली है, जो समुद्र से दूर है, काफी अंदर है
ना, तो यहां पे नदी झरने तालाब ये सब थोड़े कम है, तो यहाँ इवेपोरेशन रिलेटिवली कोस्टल एरिया से काफी कम होगा, तो कम होगा तो मॉइस्चर कम होगा, तो जगह जगह अलग अलग मॉइस्चर परसेंटेज होगा, तो ये वाटर वेपर जो वो वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। ओके चलिए, अब आपको इसमें समझना होगा कि ये फिक्स पार्ट है, रिमेन फिक्स, ये वेरिएबल पार्ट है ना। अब ये दोनों रहता कैसे, अगर ये वाटर वेपर है तो वाटर तो मुझे हवा में दिखाई भी नहीं देता है ना, तो समझना होगा कि ये रहता कैसे है। तो यहां पे जो वाटर है सबसे पहले ये वेपर फॉर्म में रहता है। वेपर फॉर्म क्या है, यह एक गैसियस फॉर्म जैसा ही है, लेकिन यह क्रिटिकल, इसका जो फेज होगा, टेम्परेचर होगा, वो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो की अवस्था होगी। वेपर फेज हमेशा सेचुरेशन पॉइंट के आसपास होता है, सो दैट कि जिसे इजिली आप कंडेंस या इवेपोरेट कर सकते, ठीक है। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो होगा, और गैसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के काफी ऊपर होते हैं, जिसे कंडेंस करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, तो लिक्विड ऑक्सीजन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन वाटर वेपर है, तुरंत उसे हम अगर टेम्परेचर कम कर देंगे तो कंडेंस होकर तुरंत जो है पानी में बदल जाएगा। आई होप माई डियर स्टूडेंट क्लियर है कि वेपर और गैस में क्या अंतर है। गैस ऐसी अवस्था है जो क्रिटिकल टेम्परेचर से काफी ऊपर होता है, और वेपर क्या है, ऐसी अवस्था है जो कि सेचुरेशन टेम्परेचर के आसपास होता है, जिसे आसानी से आप कंडेंस करके फेज बदल सके, ठीक है। तो ये वाटर वेपर फॉर्म है, ये भी गैसियस फेज में आ गया, और ये सारे गैस हैं, तो दोनों गैस हैं, बट आपको समझना होगा कि इसका परसेंटेज कम है, और ये वाटर वेपर जो होता है इसमें डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है। एक चीज आपको समझना होगा, डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ, डिफ्यूजन का मतलब हुआ ये दोनों एक दूसरे से घुले मिले हैं, इस तरह से घुले मिले हैं कि ये आपको दिखाई नहीं देगा, इनविजिबल होता है, लेकिन इसका इफेक्ट आप महसूस सिर्फ कर सकते हैं। वाटर वेपर इनविजिबल होता है, दिखेगा नहीं ना, मिस्टर इंडिया जैसा, लेकिन जब जरूरत होगा तो भाई दिख जाएगा, और उसका इफेक्ट बहुत होता है, राइट। तो आई कैन से दैट, ओके, तो ये डिफ्यूज होता है, राइट। ये तो आई कैन से दैट मॉइस्ट एयर क्या है, मॉइस्ट एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इन सच ए वे दैट वाटर वेपर इज डिफ्यूज्ड इन ड्राई एयर। वो ड्राई एयर में डिफ्यूज रहता है, मिला हुआ रहता है, घुला मिला रहता है। आई होप आप डिफ्यूजन समझते होंगे। चलिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं, कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक अगरबत्ती जलाई, राइट। तो अगर मैंने अगरबत्ती जलाई तो वहां पे उसका फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा होगा, तो उससे जो वहां धुआं निकला वो आसपास के एयर में जाके मिल गया, तो क्या आपको वो दिखाई देता है, नहीं, थोड़ी देर बाद दिखेगा कि वो आसपास रूम के चारों तरफ डिफ्यूज हो गया है। अब आप अगर उसके पास बैठे हुए हैं तो आपको उसका स्मेल बहुत अच्छा होगा, थोड़ा और बगल वाले कमरे में है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, और अगर थोड़ा और भी ज्यादा दूर है तो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वो डिफ्यूज हो गया उस मीडियम में, इस तरह से। आई होप आपको क्लियर होगा। तो वाटर वेपर जो है ड्राई एयर के साथ डिफ्यूज होता है, और तब जो एयर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉइस्ट एयर या एटमोस्फेरिक एयर या सिंपली एयर या एक और इसका नाम है ह्यूमिड एयर, क्योंकि मॉइस्चर का सिनोनिम्स है ह्यूमिडिटी ना, तो वहां से एक और नाम आ जाता है ह्यूमिड एयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना कि मॉइस्ट एयर, एटमोस्फेरिक एयर, एयर ना, ये आपको समझना होगा। तो मॉइस्ट एयर का कंपोजिशन हमने समझ लिया, ड्राई एयर समझ लिया। मैं आपको बता दूं, ड्राई एयर सिर्फ हम कहेंगे ऐसा एयर जिसमें वाटर वेपर 0% हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल जैसा होगा। आई होप समझ रहे हैं आप, चूंकि इसमें मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का रहता है, तो इसका अगर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, तो वो लगभग 28.96 अराउंड रहता है, जिसे हम लोग रफली 29 लेते हैं, ठीक है। वाटर वेपर में वाटर है ना, तो यहां पे इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखेंगे ना, तो H2O 16 + 2 = 18, ये चीन आ जाएगा, राइट। ओके, एक वन मोर थिंग, इसमें एक चीज और देखेंगे कि क्या यह परफेक्ट गैस है ना, तो एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट में यहां पे प्रेशर हमारा कम रहता है, तो आप आइडियल गैस में जंक्शन में पढ़े होंगे कि अगर वो लो प्रेशर पे है तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज एनी गैस दैट कैन इज एक्सप्रेस्ड इन लो टेम्परेचर ना, तो वहां उसे हम
आइडियल गैस की तरह अप्रोक्सीमेटली ट्रीट करते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि ड्राई एयर भी हमारा आइडियल गैस है और वाटर वेपर भी हमारा आइडियल गैस है, और ये दोनों मिक्सचर जो मिलके बनेगा दैट इज मॉइस्ट एयर, दिस इज ऑल्सो एन आइडियल गैस। ठीक है, यहां टिक का मतलब हो रहा है मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। अब एक और टर्म है प्योर सब्सटेंस, क्या होता है ना? तो प्योर सब्सटेंस आप पढ़े होंगे बेसिक थर्मोडायनामिक्स में कि प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच हैज सेम केमिकल कंपोजिशन एंड हैविंग होमोजीनियस मिक्सचर, ना जिसका होमोजीनियस मिक्सचर हो और केमिकल कंपोजिशन क्या हो, सेम हो। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर ही इसे हम मानते हैं। ठीक है, और वाटर वेपर फेज में रहे या वाटर रहे तो H2O ही रहेगा, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा। तो दोनों को हम लोग इंडिविजुअली, इसे अलग ना, चूंकि दोनों का अपना है तो दे आर कंसिडर्ड एज ए प्योर सब्सटेंस, लेकिन कलेक्टिवली दोनों को मिला के मॉइस्ट एयर की जब हम बात करेंगे तो मॉइस्ट एयर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्योर सब्सटेंस। यहां समझना होगा कि मॉइस्ट एयर को हम लोग प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, दिस इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस। कहिएगा कि सर क्यों नहीं इसे हम रखेंगे, तो सबसे पहले आपको समझना होगा चूंकि मॉइस्ट एयर इज ए मिक्सचर ना, और ये कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, मॉइस्ट एयर इज ए हेटरोजीनियस मिक्सचर। हेटरोजीनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि हर एक जगह एक कंपोजिशन नहीं मिलेगा, वाटर वेपर हमेशा वेरिएबल होता है, तो इस वेरिएबल होने की वजह से जो हमारा मिक्सचर है वह भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, और उसके वजह से हमको क्या मिलेगा, होमोजीनियस कंपोजिशन नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअल वाटर वेपर इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस, ड्राई एयर ऑल्सो इज ए प्योर सब्सटेंस, लेकिन जब दोनों को मिला के हम मॉइस्ट एयर की बात करेंगे तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में नहीं करते हैं जब हम आरएसी की बात करते हैं। लेकिन जब आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे तो बहुत जगह सिंपली एयर को कंसीडर कर लेता है एज ए प्योर सब्सटेंस। तो समझना होगा कि अगर ऐसा बुक में लिखा हुआ है कि एयर इज कंसीडर्ड एज ए प्योर सब्सटेंस तो वहां एक हिडन एजम्पशन है जो कि इंटरव्यू वगैरह में काफी पूछता है, वहां पे हिडन एजम्पशन है कि वहां वाटर वेपर नहीं है, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल है, और अगर है भी तो उसको हम कॉन्स्टेंट मान के ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, बट जब आप रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे तो आप ये गलती नहीं कर सकते क्योंकि पूरा साइकोमेट्री ही मॉइस्ट एयर पे है और इसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं ट्रीट करेंगे, बट ये सब आइडियल गैस की तरह पूरा ट्रीट होगा, इंडिविजुअल भी मिक्सचर भी, लेकिन प्योर सब्सटेंस मिक्सचर नहीं होगा, अलग अलग ये होगा। तो आई होप आपको मॉइस्ट एयर क्लियर है, वाटर वेपर क्लियर है। अच्छा, ये वाटर वेपर जो है समझना होगा कि ये किस स्टेट में हवा से डिफ्यूज रहता है, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी वगैरह में पूछा जाता है। तो वाटर वेपर जो है वह ड्राई एयर के साथ सुपर हीटेड स्टेट में रहता है, सुपर हीटेड स्टेट इसका सेचुरेशन टेम्परेचर से ऊपर की अवस्था होती है। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो पहले लिक्विड में है, लिक्विड से वो वेपर बनेगा, वेपर के बाद और अगर गर्म करेंगे तो वो सुपर हीटेड वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे माय डियर स्टूडेंट कि ये किस स्टेट में डिफ्यूज रहता है, तो सुपर हीटेड स्टेट में डिफ्यूज रहता है। ओके, आई होप मॉइस्ट एयर क्लियर हो गया, मॉइस्ट एयर का कंपोजिशन क्लियर हुआ। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ये फेमस टॉपिक है और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, अगर ये क्लियर है तो आगे आपको बहुत आसान लगेगा साइकोमेट्री, बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मॉइस्ट एयर की क्या क्या अवस्था हो सकती है। तो मॉइस्ट एयर जनरली दो स्थिति में अक्सर हम आप महसूस करेंगे। ठीक है, एक महसूस करेंगे जब वो अनसेचुरेटेड स्टेट में हो, इट इज अनसेचुरेटेड मॉइस्ट एयर, और एक जब वो सेचुरेटेड स्टेट में हो, जिसे हम लोग सेचुरेटेड मॉइस्ट एयर कहते हैं। अब आपको इसको समझना होगा कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड मॉइस्ट एयर क्या होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये वर्ड को आप समझिए, व्हाट डू मीन बाय सेचुरेशन, अगर आप इसको समझ गए तो ये समझना बहुत आसान है। ठीक है,
सैचुरेशन अगर समझ गए तो आप लोग अक्सर हाँ देखते होंगे कि बहुत समाज में दो तरह के व्यक्ति आपको मिलेंगे ना। मान लीजिए पढ़ लिख के आप कल को जॉब लगा ना, आप भी हैं, तो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना, वो कहीं भी पहुंच जाएगा, किसी भी बड़े पोस्ट पर पहुंच जाएगा, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, उसे हमेशा और बेहतर करने की जिज्ञासा रहती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वो अभी सैचुरेट नहीं हुआ है। सैचुरेशन लेवल का मतलब हुआ संतोषजनक स्थिति, संतुष्टि। अब अगर मैं मान लूं कि मेरे लाइफ में अब सब कुछ हो गया है ना, आपको एक अच्छी नौकरी लग गई, एक अच्छा फैमिली हो गया, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको लगा कि अरे अब ज्यादा और मेहनत करने की क्या जरूरत है ना, तो वो एक सैचुरेशन स्टेट हो गया। जब आदमी सैचुरेशन स्टेट में चला जाता है तो उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं होता, नो इंप्रूवमेंट, कोई गुंजाइश इंप्रूवमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने आप को अनसैचुरेटेड स्टेट में महसूस करेंगे, चले कल को आप कुछ भी बन जाए, आपका अगर एम्बिशन बहुत हाई है तो अगर आप डिप्लोमा करके जूनियर इंजीनियर बनते तो आपकी इच्छा होगी कि हम असिस्टेंट इंजीनियर बन जाए, अगर असिस्टेंट इंजीनियर है तो आप सोचेंगे फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से चीफ इंजीनियर बन जाए, तो ये एक लालसा होती है। और बहुत ऐसे लोग होते हैं जेई बनते हैं, वो सोचते हैं कि जिंदगी भर जेई ही रह जाए। तो अगर आप अपने लाइफ में संतुष्ट हो गए हैं, अब कोई फर्दर एडिशन आप में नहीं हो सकता है, फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है, तो आई विल से यू आर इन सैचुरेशन स्टेट। क्लियर है? अगर आप में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं और हर वक्त आप में ऐड होते जाएगा, हर वक्त आप इंप्रूव करते जाएंगे, दैट मींस स्टिल यू आर इन अनसैचुरेटेड स्टेट। चलिए, ये तो सैचुरेशन का मतलब था। मैंने आपको लाइफ से भी संबंधित चीजें बता दी। कल को लाइफ में आप कुछ भी बन जाओ, कभी भी अपने आप को सैचुरेशन स्टेट में मत ले जाना। हमेशा एक लेवल, जिस लेवल पे उससे ऊपर उठने की कोशिश करना। आप जहां भी रहें खुश रहें, मेहनत करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि जहां भी रहिए आप खुश रहिए और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डोंट बिकम सैचुरेटेड पर्सन ना, ऑलवेज बिहेव लाइक अनसैचुरेटेड ना। व्हाट इज सैचुरेटेड और व्हाट इज अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मॉइस्ट एयर में हमारा वाटर वेपर रहता है, सर्टेन परसेंटेज, वेरी स्मॉल अमाउंट ही रहता है। मैं आपको एक डाटा बताऊंगा, आपको जान के आश्चर्य होगा ना, कि 1 kg ड्राई एयर के साथ, रफली मैं बुक का डाटा बता रहा हूं ना, 9 to 27 gram वाटर वेपर ना, इसके साथ क्या रहता है, डिफ्यूज रहता है। मतलब इसको समझें कि अगर ड्राई एयर है तो वाटर वेपर का परसेंटेज, मान लीजिए 1 kg ड्राई एयर, वाटर वेपर 0 gram है, ये कंप्लीटली ड्राई है जो कि संभव नहीं है। ओके, तो कुछ होगा, तो मान लीजिए अभी 1 gram है ना, तो अभी ना, अभी मैं मान लेता हूं कि इसमें, ये एक जनरल डाटा है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है। तो मान लीजिए कि ना, मैं फिलहाल मान ले रहा हूं कि ये इसमें मैक्सिमम 1 kg ड्राई एयर के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लेते हैं 27 degrees से ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 kg ड्राई एयर के साथ ना मैक्सिमम कितना वाटर वेपर डिफ्यूज हो सकता है, लेट सपोज 10 gram, ठीक है। तो अभी मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 1 kg ड्राई एयर है, उसके साथ 1 gram है, तो क्या ये मैक्सिमम सेचुरेशन पे आ गया? नहीं, फिर थोड़ा सा बढ़ा, 4 gram हुआ, 8 gram हुआ, ठीक है। तो अगर जिस किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे 1 kg ड्राई एयर के साथ ना, एटमोस्फेयर 1 kg ड्राई एयर के साथ अगर वाटर वेपर मैक्सिमम सोल्यूबल अभी नहीं हुआ है ना, दैट मींस कि अभी उसमें अगर हम कुछ वाटर वेपर ऐड करें तो वो एटमोस्फेरिक एयर ड्रायर उसको अपने में सोल्यूबल कर ले, अपने में वो सोल्यूबल हो जाए ना, उसकी सोल्युबिलिटी बनी रहे, तो वो कहला जाएगा अनसैचुरेटेड एयर। तो मान लीजिए जैसे 2 gram है, 8 gram, 7 gram, ये सब अभी अनसैचुरेटेड एयर है और उसमें हमारा वाटर वेपर और ऐड हो सकता है, लेकिन ऐड होते 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 एक ऐसी अवस्था होगी कि उसमें आपका वाटर वेपर ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 ग्राम के बाद भी कुछ वाटर वेपर दे रहता, वो ऐड लेगा ही नहीं और वो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होके लिक्विड बन जाएगा। आप समझते होंगे, अब आपको मैं बता सकता हूं कि ओस क्यों बनता है। यही होता है कि जिस टेम्परेचर पे उसका जो मैक्सिमम
वाटर वेपर वो रिटेन कर सकता है, उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो कंडेंस होके लिक्विड बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपको समझना होगा कि सेचुरेटेड एयर कैसा एयर हुआ, सेचुरेटेड मॉइस्ट एयर। सेचुरेटेड मॉइस्ट एयर हमारा ऐसा मॉइस्ट एयर है जिसमें वाटर वेपर मैक्सिमम अमाउंट जो है उतना उसमें डिफ्यूज है, या वर्ड में पढ़ेंगे तो मैक्सिमम सोल्युबिलिटी उसकी है, तब वो सेचुरेटेड मॉइस्ट एयर। और अगर मैक्सिमम से कम है तो वो हमेशा अनसेचुरेटेड एयर कहलाएगा। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि सेचुरेटेड मॉइस्ट एयर का जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% होता है और इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 100% होता है। 100% लेस होने का मतलब इसमें और भी वाटर वेपर अभी ऐड होने का स्कोप है, अगर हम किसी भी तरीके से ऐड करें तो वो इसका ह्यूमिडिटी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी सूरत में नहीं होगा। इससे एक लर्निंग लेसन भी मिलता है माय डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल के जितने भी छात्र हैं आप अगर समझे तो सेचुरेटेड मॉइस्ट एयर और अनसेचुरेटेड मॉइस्ट एयर से एक मैसेज भी आपको दे रहा है, जो आप लाइफ में अप्लाई करेंगे यू विल बी वेरी सक्सेसफुल ऑलवेज, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी पर्सन ना। कभी भी सेचुरेटेड मत होना, हमेशा अनसेचुरेटेड रहना। चलिए तो मॉइस्ट एयर आई होप क्लियर है, कंपोजिशन क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस कर लें। आई होप आप भी बता सकते हो ना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्राई एयर एंड सिंपली एयर। तो आपको मैं बता दूं, अगर मैं ड्राई एयर ले लूं, जिसे हम लोग सिंपली एयर लेते हैं, चलिए तो सबसे पहले तो आपको यही समझना होगा कि एयर का दूसरा नाम मॉइस्ट एयर, ह्यूमिड एयर, एटमॉस्फेरिक एयर, ना ये सब इसके नाम है। तो ड्राई एयर का मतलब है 0% ऑफ वाटर वेपर, ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली ड्राई एयर नॉट एग्जिस्ट, एयर एग्जिस्ट करता है ना। तो ये ही एक इसमें मेजर डिफरेंस है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बच्चों को होती है वो नाम के वजह से होती है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको साइकोमेट्री इंटरेस्टिंग लगा होगा ना। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ना। अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स को अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स लिखिए, इसे शेयर करिए, और भी अगर पॉलिटेक्निक स्टूडेंट आपके टच में है सबको शेयर करिए। मेरा यही पर्पस है कि मैं आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को मैं बता सकूं जो भी मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम लोग साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, पहले उसको समझेंगे और फिर उसके अगले क्लास में एक पूरा सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ ह्यूमिडिटी ना इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कंफर्ट, हमारे लिए कैसे जरूरत है, और कैसे जो बहुत सारे मैंने प्रश्न आपको बताए थे कोस्टल एरिया में क्यों आदमी नहीं रहना चाहता है ना, बैंगलोर और लोनावाला जैसे शहरों में क्यों रहना चाहता है, वहां क्या अच्छी चीजें हैं, पुणे अच्छा शहर क्यों माना जाता है वेदर के मुताबिक ना, और चीजों को मैं नहीं ध्यान रहा। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको रिलेटेड है। आप जानेंगे कि राजस्थान इतना बड़ा मरुस्थल क्यों है ना, आपका मासिंद्रा में इतनी बारिश क्यों होती, तो सब इन सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं मॉइस्चर से रिलेटेड है। तो थोड़ी बहुत आप ज्योग्राफी भी आप समझ जाएंगे, आपको कंडीशन भी जो भी क्लाइमेट कंडीशन है, वेदर रिपोर्ट फॉरकास्ट उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, तो आप आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है, आप प्रकृति के साथ और खुश रह सकते हैं। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।